हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको शिक्षण व्यवस्था और पाठशालाओं में सुधार जरूरी है, मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल इज नेसेसरी, मतलब यह एक बहुत गंभीर या मुद्दा है जिसे हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे, हम उसे टालते ही जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह कहावत है कि हमारे आज के बच्चे ही कल के नागरिक है, मतलब हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह से नरिश करेंगे तो ही वो अच्छे बनेंगे, यह इसका नॉर्मल मीनिंग है। क्या हम हमारे बच्चों को सही तरह से नरिश कर रहे हैं, या हमारे शिक्षण नीति और स्कूल्स की व्यवस्था इस तरह से है कि हमारे बच्चे बहुत बच्चों का आरोग्य, मानसिक आरोग्य, दैहिक आरोग्य और उन्हें क्या रोज़गार मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम भारत में हम बच्चों को 3 साल के बच्चों को हम स्कूल में पहुंचा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 साल, 2-3 साल के बच्चे कितने मासूम, प्यारे और खुशी से भरे होते हैं, मतलब एक फव्वारे के तरह होते हैं, वह जहाँ भी जाते हैं खुशी फैलाते हैं। लेकिन जब हम इन छोटे छोटे बच्चों को LKG या प्री नर्सरी बोल के स्कूल में डालते हैं, फिर 3 साल, फिर बाद में 10th तक, फिर 12th, फिर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर कुछ स्पेशलाइजेशन, मतलब इतने सब करते करते उनके 20 या 25 साल उनके स्कूल में चले जाते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा समय हुआ। देखिए फ्रेंड, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा मुस्कुराते हुए स्कूल जाए और मुस्कुराते हुए घर आए, क्योंकि हमारे स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है या हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बच्चों के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसके 20 या 25 वर्ष, मतलब यह समय भी निकल जाता है, इम्पोर्टेंट टाइम और मनी, मतलब धन या पैसा भी बहुत खर्च होता है हमारे भारतीय व्यवस्था में, जिस तरह की हमारे एजुकेशन सिस्टम है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, और इतना समय और पैसा खर्च माँ बाप इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पैरों पे आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े रहे और अपनी भी देखभाल करें और बुढ़ापे में माँ बाप का भी सहारा बने। लेकिन ऐसा हो नहीं हो रहा फ्रेंड। देखिए, सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर, मतलब क्या हमारे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं 20 या 25 साल के बाद, क्या वह सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट है क्या माँ बाप और बच्चे? देखिए फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आंसर है नो है, क्योंकि हमारे शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हमारे माँ बाप और बच्चे दोनों संतुष्ट हैं, क्योंकि इतना समय और धन जाने के बाद में भी बहुत कम लोग खुश है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, मतलब सुधार ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है मातृभाषा, मतलब मदर टंग, क्योंकि हमारे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी किया गया है आर्ट स्कूल्स में, यह एक हर्डल, मतलब ऑब्स्टिकल बन गया है, गतिरोध बन गया है उनके लिए, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों के वातावरण में कहीं पे भी नहीं है, तो बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वह विषय का अब्जॉर्ब, मतलब वो समझ नहीं पाते ठीक से, इसीलिए उनका ज्ञान बहुत अधूरा रह जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ भी यह होता है, ना ही वो अंग्रेजी ठीक से सीख पाते हैं या मातृभाषा ठीक से सीख पाते हैं। ज़रूरी है कि बच्चों को मातृभाषा में 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाए और उसके पैरेलली हम लोग इंग्लिश भी सिखाया जाए। जो बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो चैलेंजेस लेने के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, हमारे पास ऐसा पाठ्यक्रम है थ्योरेटिकल, मतलब सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है, प्रैक्टिकल प्रायोगिक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स के इतने कठिन प्रॉब्लम्स रहते हैं, एलिप्स कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कैलकुलस थोड़ा बच्चों को प्रैक्टिकली उनको दिखाया जाए तो बच्चे समझते हैं, या फूल के बारे में भी, देखिए फूल को दिखाना है तो पेपर में आपको ड्राइंग करके दिखाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अगर हम उसे लाइव या प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं।
मतलब गणित हो, विज्ञान हो या समाज शास्त्र हो, उनको पिक्टोरियल मतलब उनको वीडियोस बना के उनको बच्चों को दिखाना चाहिए, मतलब वो बच्चों बच्चे समझ जाते हैं, नहीं तो बच्चों का ज्ञान बहुत अधूरा रह जाता है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंजेस्टेड स्पेस मतलब जगह का अभाव है। देखिए सिटीज़ में बच्चे बहुत रहते हैं और जगह बहुत कम रहता है, और खेल कूदने के लिए भी जगह कम है, तो बच्चों का ऑटोमेटिकली उनका हेल्थ बहुत ख़राब होता है क्योंकि वो खेल कूद नहीं पाते हैं, और इतना उनको खेलने के लिए समय भी बहुत कम दिया जाता है। और गांव में भी ऐसी हालत है, बच्चे ज़्यादा है, क्लासरूम्स बहुत कम रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए ग्रेड सिस्टम, मतलब बच्चों को एक ही मापदंड से नापा जाता है। कोई बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे रहते हैं, कोई लैंग्वेजेस में अच्छे रहते हैं, कोई सोशल स्टडीज़ में रहता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म कॉमन पढ़ाया जाता है। उससे ग्रेड सिस्टम मतलब जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें कम आएगा, मतलब उसको आगे की पढ़ाई के लिए भी यह बहुत रुकावट होता है। हमें चाहिए कि बच्चों को जो इंटरेस्ट हो वो ज़्यादा पढ़ाया जाए, उसे वो चॉइस दिया जाए, और जो बेसिक नॉलेज है उसे दिया जाए। हर बच्चे को बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चा चाहता है उसे पढ़ाया जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लॉन्ग स्कूल आवर्स मतलब स्कूल के बहुत घंटों तक स्कूल है, 9 से 4 या 5, और ट्यूशंस है, फिर घर आके पढ़ाई है, होमवर्क्स है, मतलब उसका आधी ज़िंदगी मतलब हाफ ऑफ द डे मतलब आधा दिन उसका स्कूल में ही चला जाता है, स्कूल एक्टिविटीज़ में, इसलिए बच्चे भी बहुत बोर होते हैं। ये चाहिए कि स्कूल आवर्स थोड़े कम किया जाए। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मतलब वर्दी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्दी का कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में है, ये बहुत अवैज्ञानिक है। देखिए वर्दी जिस तरह से यूनिफॉर्म इस तरह से बनाया जाए कि वो हमारे हवामान के अनुकूल हो। देखिए गर्मी में टाई और बेल्ट पहनाए जाते हैं, शूज़ और सॉक्स, बारिश के दिनों में तो बच्चों के सॉक्स और शूज़ में पानी चले जाते हैं, और इस तरह से कुछ स्कूलों में स्कार्फ्स कंपलसरी किए हैं गर्ल्स के लिए। तो मतलब यहाँ अवैज्ञानिक है, क्योंकि हमें चाहिए कि यह सिस्टम को तो सबसे पहले तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को बहुत असुविधा पैदा कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टॉयलेट्स मतलब स्वच्छ शौचालय कहीं पे भी नहीं है, ना ग्रामीण क्षेत्र में है ना शहर क्षेत्र में है। देखिए इस वजह से बच्चों का आरोग्य बहुत खराब होता है, क्योंकि आप स्कूल जाते हुए बच्चों को पूछिए उनका सबसे पहला फर्स्ट टेंशन क्या है, मतलब उनको अच्छे टॉयलेट्स नहीं है, कम टॉयलेट्स है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, रहे तो भी वो क्लीन नहीं है, मतलब इनमें भी सुधार बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देखिए फ्रेंड्स, इतना सब होने के बाद बच्चों को चाहिए कि जब वो 25 साल के बाद आते हैं उन्हें नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिले और धन भी गया, माँ बाप का इतना काम भी, माँ बाप भी इतने काम करते हैं बच्चों के, अपना पूंजी लगा देते हैं और समय लगा देते हैं, और बच्चे भी मन लगा कर पढ़ते हैं और इतना साल वो स्कूल में बैठते हैं, उसके बाहर आने के बाद डिग्री लेने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयड बेरोज़गारी है, मतलब उसका क्या फ़ायदा हुआ। आजकल तो कहीं एम्प्लॉयमेंट मतलब एक बहुत दूर की चीज़ हो गई है, इसीलिए देखिए सरकार और नागरिक सभी नागरिकों को इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उस विद्या किस काम की जो आत्मनिर्भर ना बनाए। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ स्किल्स एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब जीवन कौशल और ग्रामीण उद्योग। देखिए हम लोग भारत एक ग्रामीण कृषि प्रधान देश है, हम लोग गाँव से निकल के शहर आए हैं, शहर से निकल मेट्रो सिटीज ऐसे हम बढ़ते चले गए हैं जैसे जैसे रोजगार विद्या के लिए। देखिए यही एक मुख्य कारण भी बन गया है, और ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन ये जो चल रहे हैं इसी से भी लोगों के बहुत उद्योग नहीं मिल रहे हैं। देखिए इसलिए अभी हमें चाहिए कि फिर अभी हम लोगों को ग्रामीण कृषि प्रधान कामों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी हमारे गांव में उतनी तरक्की या प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि शिक्षित लोग उनसे बाहर चले जा रहे हैं। अभी चाहिए शिक्षित लोग अपने घर लौटे और वहीं पे खुद का रोज़गार बना लें और दूसरों को भी रोज़गार दें। और नेक्स्ट फ्रेंड्स,
बैलेंस्ड सोसाइटी मतलब समतोलित समाज। देखिए हमारे पास इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने लैंग्वेजेस हैं और इतने इनकम ग्रुप्स हैं। देखिए गरीब मध्यम वर्ग और ऐसे अमीर, ऐसे इनके बीच में भी बहुत ग्रुप्स है और इतने भाषाओं में पढ़ाया जाता है, मातृभाषा में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और अनगिनत वैरायटी के कोर्सेस है और पैसे प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट स्कूल्स है। और देहातों में स्कूल्स की हालत कैसी है और सिटीज में हालत कैसी है। देखिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, तभी स्कूल देश की प्रगति होती है, तभी शिक्षा का स्तर बढ़ता है। हम लोगों को चाहिए कि शिक्षा का स्तर सामान्य बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करें, हमारे सरकार से हम आवाज़ उठाएं और हमारे सभी नागरिकों से मेरी यह विनंती है कि आप सब लोग और सभी विद्यार्थियों से यह विनंती है कि वह इस पर बात करें और इन पॉइंट्स को लेके आप लोग ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, डिबेट और किसी में भी आप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।